फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस। हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनमें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अबाउट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ में चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोकस, यानी स्पेरिकल बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलाकार जीवाणु। दूसरा है बैसिलस बैक्टीरिया, यानी छड़ाकार जीवाणु, जिसको हिंदी में कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। तीसरा है स्पाइरलम या कुंडलित या सर्पिलाकार जीवाणु। चौथा है विब्रियो शेप बैक्टीरिया, यानी कौमा के आकार का जीवाणु। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो भी फर्दर चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये चार पार्ट हैं इसके, कोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, टेट्राकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया और सार्सिनी बैक्टीरिया। तो डिस्कस करते हैं कोकस बैक्टीरिया के बारे में। कोकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल और सर्कल के फॉर्म में पाए जाते हैं। कोकस का मतलब ही गोलाकार होता है। तो जो बैक्टीरिया गोलाकार शेप के होते हैं उनको कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। तो इसके जो पार्ट हैं या प्रकार हैं वो हैं, पहला है कोकस, या इसको कहते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया। जब कोकस बैक्टीरिया सिंगल सिंगल के फॉर्म में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है मोनोकोकस, ठीक है। दूसरा है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। जब कोकस बैक्टीरिया दो दो की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहूँगा कि जो डिप्लोकोकस निमोनिया है, जो बैक्टीरिया है, वो ह्यूमन में यानी मानव में निमोनिया डिजीज कॉज करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी बैक्टीरिया से संबंधित कोई डिजीज आती है, तो उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बीमारियों से जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, या आप इसको अपनी एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। डिप्लोकोकस निमोनी जो है वो ह्यूमन में निमोनिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तीसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जब कोकस बैक्टीरिया अरेंज्ड होकर एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोफेरिजियस, ठीक है। फोर्थ है टेट्राकोकस बैक्टीरिया। टेट्रा का मतलब होता है चार। जब कोकस बैक्टीरिया चार चार के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं टेट्राकोकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है टेट्राकोकस सिंचाई। पांचवा है स्टेफाइलोकोकस। जब कोकस बैक्टीरिया अरेंज्ड होकर एक गुच्छे के आकार की संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलो ऑरियंस। सिक्स है सार्सिनी। जब कोकस बैक्टीरिया अरेंज्ड होकर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी घन के आकार की संरचना का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं सार्सिनी। और इसका एग्जाम्पल है सार्सिनी वेंट्रिकुलाई, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेसलस यानी छड़ाकार या रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। पहला है मोनोबैसिलस यानी बैसिलस बैक्टीरिया। जब बैसिलस बैक्टीरिया सिंगल सिंगल के शेप में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि जो ये बैसिलस बैक्टीरिया है ये किस काम आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये डेयरी उद्योग, यानी डेयरी उद्योग आप समझते होंगे,
उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूसरा है इसका जो टाइप वो है डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। जब बैसिलस बैक्टीरिया दूधों की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है मोरिक्जिला बेबीस। ठीक है, थर्ड है स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेट यानी सीधी। जब बैसिलस बैक्टीरिया एक सीधी चैन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है तो इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। और तीसरा जो टाइप है हमारा बैक्टीरिया का वो है स्पाइरलम या कुंडलित या षट्फलाकार जीवाणु। ठीक है, तो ये भी टू टाइप के होते हैं, पहला है स्पाइरिला और दूसरा है स्पाइरोकाइट्स। स्पाइरिला बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्पाइरोकाइट्स बैक्टीरिया से साइज में थोड़ा छोटे होते हैं और इनके एक पोलर साइड पर दो या दो से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं स्पाइरिला बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरोकाइट्स बैक्टीरिया। स्पाइरोकाइट्स बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो रस्सी के समान संरचना का निर्माण करते हैं और ये काफ़ी लंबे होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिपोनिमा पॉलिडम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम इसके टाइप में विब्रियोशेप बैक्टीरिया यानी कौमा के आकार के जीवाणु। जैसे हिंदी वर्ड लिखते टाइम या अंग्रेजी के वर्ड लिखते टाइम हम कौमा का यूज़ करते हैं, तो इसी प्रकार इन बैक्टीरिया की शेप भी जो है उन्हीं कौमा के आकार की होती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये विब्रियो शेप बैक्टीरिया होते हैं इनका मोस्ट एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा। और ये विब्रियो कॉलेरा ह्यूमन यानी मानव में कॉलेरा नामक डिजीज कॉज करता है या हैजा जो बीमारी होती है इसी विब्रियो कॉलेरा के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने तीन क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, उसको आप आई होप कि नोट करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर के बेस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, या इनको कितने भागों में बांटा गया है उनके आकार या संरचना के आधार पे। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके फ्लैजिला के आधार पे भी वर्गीकृत किया गया है यानी क्लासिफिकेशन बी आप ऑफ प्रेजेंस इन देयर फ्लैजिला। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में फ्लैजिला के प्रकार कितने हैं, तो ये इसमें देखते हैं। पहला जो इसका टाइप है वो है ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस, यहाँ पे जो ट्राइकस वर्ड है वो फ्लैजिला से रिलेटिव है, तो ए ट्राइकस का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसके पोलर साइट या बॉडी सरफेस पे किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है लैक्टोबैसिलस, ये मैंने आपको बताया था दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और दूसरा है पाश्चुरेला। ठीक है, दूसरा इसका टाइप है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनो का मतलब होता है एक, ट्राइक का मतलब होता है फ्लैजिला। ठीक है, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। जब बैक्टीरियल सेल के एक पोलर साइड पर एक फ्लैजिला पाया जाता है इस प्रकार के बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो विब्रियो कॉलेरा है वो ह्यूमन में या मानवों में हैजा डिजीज कॉज करता है। ठीक है, सेकेंड है इसका सॉरी थर्ड एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसके दोनों पोलर साइड पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो नाइट्रोसोमोनास है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं।
इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन दे देंगे, विब्रियो कॉलेरा, या लैक्टोबैसिलस, या नाइट्रोसोमोनास, या नन ऑफ दिस। तो आपको क्लिक करना है नाइट्रोसोमोनास पे, ठीक है। चौथा जो टाइप है बैक्टीरिया के फ्लैजिला के व्यापक, वो है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिसके एक पोलर साइड पर दो या दो से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्यूडोमोनास होता है, ये भी बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, और लेग्यूमिनेसी प्लांट में है जो है, ये भी पाया जाता है। फिफ्थ है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिसके पोलर साइड पर, दोनों पोलर साइड पर दो या दो से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया को कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिक्स है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसके पेरिफेरी पर, यानी पूरी सेल सरफेस पर चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसको कहते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम, और दूसरा है प्रोटियस बुल्गेरिस। तो ये था फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बिहाफ ऑफ दियर फ्लैजिला के आधार पर। तो आगे का जो हम डिस्कस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।